आपकी सरकार टारगेट कर रही है बॉलीवुड को, आपके तमाम नेता एक एक करके यही कह रहे हैं कि बॉलीवुड में ड्रग्स का प्रचलन हो गया। रजा मुराद साहब कह रहे हैं कि 5 दशक से वो बॉलीवुड में है और इतनी डिसिप्लिन्ड अनुशासित पीढ़ी एक्टर्स की उन्होंने देखी ही नहीं है। गौरव भाटिया, देखिए अंजना जी, रजा मुराद जी बड़े ही सम्मानित कलाकार हैं, लेकिन वहीं से शुरुआत करते हैं जहां से पार्लियामेंट में भी शोर मचा। जिस थाली में खाते हो उसी थाली में छेद करते हो। तो मैं ये कहूंगा कि इनके लिए बॉलीवुड थाली है, लेकिन पूरे देश को जो देश की रसोई है ना, उसकी चिंता है। और अगर कुछ गलत हो रहा है उसको उजागर करने के लिए बहुत साहस चाहिए। और रजा मुराद जी ने तो बहुत अच्छी बात कही, मैं उसी को आगे बढ़ाऊंगा कि बॉलीवुड पे हम सबको नाज है, लेकिन बॉलीवुड भी कानून से ऊपर नहीं है। अगर कोई गलत करता है तो बिल्कुल उस पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और ये बात भी जग जाहिर है कि कुछ लोग हैं बॉलीवुड में जो ड्रग का सेवन करते हैं। और दो और बड़ी चिंताओं की बात हुई है। सबसे पहले, क्यों नहीं ऐसा होता कि बॉलीवुड के अंदर से आवाज आए? ड्रग एब्यूज एक है, दूसरा नेपटिज्म, परिवारवाद की बात करी। जो जुझारू कलाकार हैं, छोटे घरों से आते हैं, छोटे शहरों से आते हैं, उनके साथ भेदभाव क्यों हो? सब नहीं करते होंगे लेकिन होता है। और तीसरी बात, कास्टिंग काउच, जो शोषण वहां पे होता है, इसके बारे में हम सब ने सुना है। और मुझे तो अच्छा ये लगेगा कि इसको गटर कोई नहीं कह रहा, गटर तो उन लोगों ने बनाया है जिन्होंने ड्रग एब्यूज को आज तक क्वेश्चन नहीं किया। उसने बनाया है जिसने महिलाओं का शोषण होने दिया, उसने बनाया है जिसने परिवारवाद को आगे बढ़ाया। और एक उदाहरण रजा साहब से, एक जवाब मुझे इस पर लेने दीजिए। रजा साहब, क्या कोई सिरे से नकार सकता है कि कास्टिंग काउच, ड्रग्स, इस तरह की चीजें नहीं है इंडस्ट्री में? क्या कोई भी सिरे से खारिज कर सकता है? एक छोटा सा जवाब इस पर। नहीं, देखिए मैं ये कहूंगा ब्लैक शीप्स हैं हमारे यहां। मैं ये नहीं कहूंगा तो कि हमारे यहां ब्लैक शीप तो सर जांच से ही निकलेंगे ना। सर, ब्लैक शीप तो जांच से ही निकलेंगे ना। फिर जब कोई सांसद जांच की बात करता है, जांच के लिए कौन? नहीं, पर जया जी ने कहा ना कि ये लोग ऐसी बात कर रहे हैं। जया जी ने बीते दिन कहा कि रवि किशन है, उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि ये स्वीपिंग स्टेटमेंट है, बॉलीवुड को बदनाम किया जा रहा है। ये बदनामी की बात क्यों हो गई? इसको पर्सनली लेने की जरूरत क्या है? देखिए मेरी बात सुनिए, अगर जांच करना है तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, बिल्कुल आप आगे आ सकते हैं। मैंने जैसा कि आपसे पहले कहा, ड्रग एडिक्शन भी है लेकिन वो बराए नाम है। कास्टिंग काउच भी है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि ऐसी कौन सी लाइन है जहां ड्रग एडिक्शन नहीं है, जहां किसी की मजबूरी का फायदा, महिलाओं की मजबूरी का फायदा नहीं उठाया जाता है? आप मुझे कोई एक ऐसी लाइन बता दें जहां आप ऐसा मुझे नहीं कोई होता एक ऐसी लाइन बता दीजिए। एक सेकंड गौरव जी रुकिए। रजा जी, आप मुझे कोई एक ऐसी लाइन बता दीजिए जहां पर प्रोफेशन में लोग उन चेहरों के पोस्टर्स अपने कमरों में लगाते हो। मुझे कोई एक ऐसी लाइन बता दीजिए जहां पर रोल मॉडल्स बनते हो, जहां पर बच्चे अपनी हेयर स्टाइल रखते हो किसी फिल्म स्टार की तरह। आपको समझना पड़ेगा कि यहां की जिम्मेदारी और जवाबदेही जो है वो अनंत है, वो अंतहीन है, क्योंकि आपके चेहरों पर लोग ये सोचते हैं कि मेरा बच्चा ये वाला स्टेप करके दिखाएगा इस हीरो की तरह, ये वाला हेयर स्टाइल रखेगा उस हीरो की तरह। पोस्टर लगाते हैं बच्चे कमरों में, इसीलिए जिम्मेदारी और जवाबदेही ज्यादा हो जाती है। क्या मैं गलत कह रही हूं? नहीं नहीं मैं आपकी बात से मैं 100% सहमत हूं जो आप कह रही हैं, लेकिन तस्वीरें उनकी लगाई जाती हैं, रोल मॉडल उनको बनाया जाता है जिनके चेहरे पर रौनक होती है, जो बहुत अच्छा काम करते हैं, जिनकी फिजिक अच्छी होती है, जो प्रेजेंटेबल होते हैं। ड्रग लेने वाला कभी प्रेजेंटेबल नहीं हो सकता, उसकी शक्ल पर रौनक नहीं हो सकती, उसकी मस्कुलर नहीं हो सकता। अभी तक ऐसा कोई तकनीक नहीं आया सर कि चेहरा देख के कोई बता दे कि ये ड्रग्स लेता है और ये नहीं लेता। अभी तक ऐसी तकनीक नहीं आई है। नहीं, क्यों नहीं आई है? कौन सी पता चलता है? ड्रग एडिक्ट का पता चलता है, शराबी का पता चलता है। कोई अगर ड्रग एडिक्ट आता है, उसका स्टोन फेस होता है, वो बिल्कुल खोया खोया होता है,
वो रिसेप्टिव नहीं होता है, वो अपनी धुन में होता है, तो ऐसा नहीं है। सर माफ कीजिएगा, अभी आप सबूतों की बात कर रहे थे, मैं फिर अपनी अगर कोई किसी के चेहरे और हाव भाव पर कहने लगे कि ये ड्रग्स लेता है तब तो फिर हर कोई किसी पर भी इल्जाम लगा देगा। अभी आप कह रहे थे सबूतों के आधार पर ही किसी पर भी इल्जाम लगना चाहिए, अब आप कह रहे हैं चेहरे को देखकर ही पता चल जाता है। मेरी बात सुनिए, यही 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 एक सबसे बड़ा सबूत है कि बंदा मेंटली एजाइल है, वो अपने डायलॉग जो है बहुत अच्छे तरीके से डिलीवर करता है, वो अच्छे एक्शन सीन करता है, वो बहुत अच्छे डांसेस करता है। ये कोई भी नशेड़ी इंसान ऐसा नहीं कर सकता। आप अगर पूरी इंडस्ट्री को लपेट रही हैं इसमें तो मैं बिल्कुल आपसे सहमत नहीं, और मैं आपकी बात जो है मैं सिरे से नकारता हूं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।